68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना, प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ, जिनका कि मिस्टर भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे, सामान्यतः हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ ही उसकी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूँ। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है। आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान।
शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं, सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि हो तन फलों के हिस्सा बनने का, तराशेगा आपको रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी, आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर, अवसर एक आदर्श और कुशल। नीड और नेसेसिटी के आधार पर हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है, जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। वाई will be ready technology in this stride. There'll be an optimal balance of youth and experience, that is Milan of Josh and Hosh. Coming to Agniveers, ek sunehra mauka desh ki seva karne ka through the armed forces. They will imbibe camaraderie, team building, mental robustness, physically fit, forged under fire like the best steel, over the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package for which the details I will tell you slightly later. As for the nation is concerned, there'll be availability of disciplined and skilled youth with military ethos and for the civil society, which will add to the nation building. Ye kaam karne se pehle, humne kuch jo world ki alag alag countries hain, unki study kari. Uske andar humne ye dekha ki sirf jo best practices hain, उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। पहला, वॉलंटियर सिस्टम है ज्यादातर देशों में। इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट। इनरोलमेंट एजेस 17 इयर्स एंड अबव। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक। ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स ऑब्लिक अग्निवीर्स व्हिच दे हैव ऑन एग्जिटिंग। हाउ? By giving them higher education credits, by giving them a good financial package, by assuring or trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries. Also, there are bridging courses which are being given on exit. However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have by 2030 about 140 crore people would be there, 50% of them will be below 25 years. This demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. The youthful profile, as the Raksha Mantri just spoke of, Yuva is known by Josh, Jazba, Junoon. This, when led by good leadership, will result in higher risk taking capability, which is part of our lexicon and DNA. Ek yuva bhargrast nahi hoga. He'll be more available because he's younger, he will be fitter and more healthier, and his time on target with us will be more. Based on broad basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, 6 to 7 years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like.
Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17 and a half to 21 years. Once selected, Agniveers will serve for 4 years with us. On completion of 4 years, Agniveers will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre. Based on merit, organizational requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated, and centrally maintained. So every Agniveer will receive who is selected, who is not, but Agniveers can apply for being retained. Now let us see the terms and conditions which have been specially made for this Agnipath scheme. Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men, and progressively, based on the service requirement, will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they will be as per extant norms. Educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Agniveers by the Ministry of Defense and Ministry of Finance, which is called the Sevanidhi package. And just to explain you a little, every Agniveer who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this. It works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF / PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. The main thing, everything is income tax exempt. After the end of 4 years, Agniveer can volunteer for regular service or an entrepreneur based on the foundation of this package. This is what he's getting when he's exiting. This is not his pay. This is what he will save and get. Out of this, his own money is 5.02 lakhs. Rest is the government oblique interest component. Desh ki raksha karte vakat, agar kisi Agniveer ne sarvoch balidan diya, to wo या वो डिसेबल हुआ उसके लिए प्रावधान स्कीम में करा गया है. देयर इज अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस बीइंग केप्ट फॉर एवरी Agniveer व्हिच विल वर्क आउट अबाउट 1 crore प्लस ही विल गेट हिज फुल पे फॉर द अनसर्व्ड पोर्शन जस्ट इन केस ही गेट्स डिसेबल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग हिज 4 year tenure. वी हैव मेड स्कीम्स फॉर दैट ऑल्सो. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion and Sevanidhi package as on date with interest. Ye scheme yahan khatam nahi hoti. We will be endeavoring to raise the technical threshold by getting recruitment done through the ITIs. Impetus will be given to self-employment and entrepreneurship. Focus for in-service skilling, skill certificate, tailor-made bridging courses are being designed for them. The first rally of the Agniveers will start 90 days from today. This is indeed a transformational scheme aimed to empower the armed forces. It is an opportunity for all of us to embrace new concepts, collaborate to enhance our war fighting capability using whole of the government approach, jisme sabhi ki bhagidari ho. Ab main request karunga Air Chief Marshal V.R. Chaudhary ko ki wo अपने विचार आपके साथ शेयर करें. जय हिंद. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. द आर्म फोर्सेस ऑफ दिस नेशन आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स टू एनी एक्सटर्नल थ्रेट स्टैंडिंग फर्म ऑन द ग्राउंड इन द एयर और ऑन द सी. द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ आर द पर्सनल
who man the machines of war and the Agnipath scheme would give all eligible citizens an opportunity to join the armed forces as Agniveers. The Agniveers who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos and pride to render service to the nation and forms the bedrock on which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. Agniveers, by virtue of the tailored training that will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values. The youth of the country today have an education and skills that allows them to adapt quickly to fast-changing technology-based environment. They are adept at understanding and using technology and are aligned to the future needs. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. A short tenure in the Air Force will facilitate military training and inculcate amongst them qualities of leadership, patriotism, determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agniveers and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills required by the Air Force should they opt to join as regular Air Warriors. This will not only contribute effectively in upskilling of the youth of the country, but it also ensures right training at the right time is imparted. Lastly, the Indian Air Force shall be imparting a wide range of training and exposure to the Agniveers in aviation, weapons and sophisticated ground systems. Agniveers who rejoin civil society will be job ready to be absorbed by a variety of employers. Armed with skills that they have learned in the Air Force, it is these Agniveers who will carry their training, discipline and experience to our indigenous industry also. This therefore emerges as a win-win situation, with the Air Force benefiting from both the Agniveers who have many options after 4 years and those who will be joining the Air Force as permanent service members. I invite the aspiring youth of India to seize this unique opportunity to serve the nation and touch the sky with glory. Jai Hind. Admiral Hari Kumar. नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबने अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में अभी तक सुना है, सो मैं इसके डिटेल्स में न जाते हुए इस विषय पर अपने और नौसेना के विचार आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमिटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है कि हम लेसन्स लर्न्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमारी आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं। इन नेविगेटिंग द टर्बुलेंट टाइड्स ऑफ कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मियरली कंटिन्यू
along the beaten path. Doing more of the same is no more an option. इसीलिए आने वाले कल की लड़ाई के लिए विचारधारा में भी परिवर्तन जरूरी है. As far as the Navy is concerned, the Agniveers will provide a steady and continuous infusion of unbridled vitality, enthusiasm and new age abilities of youth. एक तरफ ये हमारी आर्म फोर्सेस के टैलेंट पूल को विस्तार करेगा, साथ ही साथ ये हमारे युवाओं को गर्व से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का आकर्षक ऑप्शन भी देगा. इंडियन नेवी अग्निवीरों को अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, अदर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स एंड यूनिट्स और लेटेस्ट वेपन्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स, नेटवर्क्स वगैरह में काम करने का यूनिक अनुभव प्रदान करेगी. दिस एक्सपीरियंस विल होल्ड देम इन गुड स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स व्हाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ यूनिफॉर्म सर्विस दे विल बी अ वाइटल एलिमेंट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग through grooming, skilling and inspiring of future generations while instilling and reinforcing a greater sense of nationalism and patriotism. Therefore, the Agnipath initiative and the Agniveers that it will produce will play a pivotal role in enhancing the effectiveness and efficiency of the Navy and the country as both grow and rise to the challenges. Having been part of the initial planning team over 2 years back, I can assure you that the initiative has been extensively deliberated and examined threadbare by all stakeholders. The outcomes of these deliberations have only reaffirmed my conviction that this step will be truly transformational. Moreover, it will lead to a fine balance of the wisdom of experience and the exuberance of youth. मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस नए सिस्टम की ओर सुचारू परिवर्तन के लिए सभी योजनाएं प्लान की जा चुकी हैं. और ध्यान दें, नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी. मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा. आई थिंक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अग्निपथ थ्रू द प्रिज्म ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ 4 decades इन यूनिफॉर्म. वन ऑफ द की लेसन्स दैट आई हैव लर्न्ड इन द नेवी इज दैट इफ वन डज नॉट कंटिन्यूअसली अडैप्ट टू द चेंजेस इन टाइड्स एंड करंट्स, वन विल मोस्ट डेफिनेटली बी सेट ऑफ कोर्स. द सेम अप्लाइज टू द आर्म फोर्सेज एज वेल in today's dynamic scenario. And in this regard, the Agnipath initiative is an essential step to ensure that we stay on course. Ant mein ye bolna chahta hu ki armed forces ka functioning seva parmo dharm ya service before self ke siddhant par aadharit hai. Agnipath bharat ki bhavishya ki peedhiyon ko इस मूल मंत्र के अंतर्गत सम्मान और संतोष से जीने का एक उत्तम अवसर प्रदान करेगा और हर काम देश के नाम की धारणा का पालन ही नहीं उसका अनुभव भी करेगा. भारतीय नौसेना अग्निवीर्स को सीमलेसली अपनी टीम नेवी का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. धन्यवाद. जय हिंद. जनरल मनोज पांडे. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन. द अग्निपथ स्कीम इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म फॉर द आर्मी एंड द नेशन एंड एम्स टू ब्रिंग अ पैराडाइम चेंज इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी. द स्कीम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स एम्स टू मेक द आर्मी अ फ्यूचर रेडी फाइटिंग फोर्स capable of meeting multiple challenges across the full spectrum of conflict.
इस योजना को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया है। दिस एफर्ट कॉम्प्लीमेंट्स अदर ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन आर्मी इनटू अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन आत्मनिर्भर एंड अ बैटलवर्दी फोर्स। सम ऑफ द नोटेबल बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम फ्रॉम द इंडियन आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू आर फर्स्टली an enhanced youth pool profile as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. The scheme, we believe, will attract young talent and motivated youth with the right skill sets to join the army. It will also result in increased availability of medically and physically fit personnel at the cutting edge level of field units. It will also ensure better utilization of recruit training period, resulting in enhanced availability of soldiers to the field army. It will also help us in maintaining an optimum balance between the youth and experience. A wider recruitment base will provide equal opportunities to youth from all parts of the country to join the army. The screening and selection, based on a sound, fair, transparent, and a robust assessment system, will ensure that the army retains the best of the best for a longer serving duration, and these personnel will form the core of our organization. The Agniveer leaving after 4 years will be empowered with suitable skills and financial means and carry a unique resume, as was alluded to earlier, that will significantly enhance his value and employability in the civil society. The new process heralds a paradigm shift in our recruitment process and will necessitate changes in the way we impart training to our recruits and soldiers in enhancing their combat potential. मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि recruits के लिए लागू minimum physical, medical और professional parameters को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वी विल इंस्टीट्यूट अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड साइंटिफिक मेथड इन स्क्रीनिंग द इनिशियल इनटेक फॉर 4 years एंड अप्लाई सिमिलर यार्डस्टिक्स टू सिलेक्ट दोज हु विल गेट एनरोल्ड। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति, जो कि कोहेसिवनेस, कॉमरेडरी, एस्पिरिट डिकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, को पूरी तरह बरकरार रखेगी। अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स, हेडक्वार्टर्स और एस्टैब्लिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में तैनात किए जाएंगे। आई वॉन्ट टू अश्योर यू दैट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेबिलाइजेशन फेज ऑफ द अग्निपथ स्कीम द आर्मीज ऑपरेशनल केपेबिलिटीज एंड प्रिपेयरनेस along the borders and the ability to deal with internal security challenges will be fully maintained. At the end, I wish to say that we are confident that this change will bring in new vigor and confidence in the Indian Army and make it stronger, more capable and in stride with the future. Jai Hind and thank you.
मित्रों, हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए ने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है, मैं समझता हूं थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, चीजें पूरी तरह से साफ हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई क्लेरिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स आपके क्लेरिफिकेशन का जवाब देंगे। So I'm Rahul Singh from Hindustan Times. My question is to the Army Chief. So this scheme has been at the center of an intense debate in the recent months, with a lot of people pointing out the advantages and the disadvantages. Now, one thing which a lot of veterans have pointed out is that this Agnipath scheme, or the All India All Class recruitment model, will strike at the very foundation of the regimentation system, which is time tested and has worked very well for us. So do you see any kind of issues related to morale, cohesion or discipline with the introduction of these schemes? Right, let me start by mentioning that Indian Army is largely all India all class. Even today, 75% of our units already have an all India all class composition. A limited number of units are based on class composition. Also, I must mention that the regimental system and class composition, though interlinked, are two different concepts. We need to understand that the basic aim of recruiting Agniveers on an all-India, all-class basis is to widen the recruitment base and provide equal opportunity to youth of the country, across the country, to serve the nation. Regimentation, I feel, is dealing from this endeavor. We will continue to draw strength from the bonds of esprit de corps and team spirit, which are generated through living, training and fighting together, irrespective of the class or caste of the comrades in arms. I believe our regimental system will evolve with a greater national pan-India character. Gradually, the class-based character of certain units and regiment that have a fixed composition today is expected to evolve into an all-India, all-class structure in the future. The Indian Army has a rich history, tradition, military values and culture based on the principles of cohesive and camaraderie, and I believe this will not change. As I mentioned in my opening statement, the Agniveers will be fully assimilated and integrated into the organization, ready for deployment based on the operational requirements. Our organizational ethos and culture, we are convinced, will motivate the Agniveers to imbibe the military values and regimental spirit. Thank you. 1, 2, 4. हाय, मॉर्निंग सर, मेरा नाम आशीष है, मैं TV9 से हूँ। मेरा क्वेश्चन एडमिरल हरि कुमार से है कि सर, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अग्निपथ स्कीम के अंडर में जब लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेसिफिकली चाहे वो शिप्स हो या फिर ऑफशोर यूनिट्स हो, तो वहां पर भी जो यूनिट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, जो मेन एंड वुमेन डिप्लॉयड हैं, तो उन्हें उनके मॉरल और उनके मोटिवेशन पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ में जो है या फिर जो कुछ लोग हैं वो केवल कुछ महीने या कुछ साल के लिए है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ सोचा गया है स्पेसिफिकली शिप जैसे एक प्लेटफॉर्म के लिए? देखिए, हमारी ओपिनियन में ये इट विल ओनली इम्पैक्ट पॉजिटिवली। एज सच नेवी में जो है ये पर्सनल जो शिप्स में जाते हैं, यूनिट्स में जाते हैं, उनको हर 2 साल या 3 साल में उनको रोटेट करते हैं। मतलब वो 2 साल एक शिप में है, फिर या दूसरे शिप में जाते हैं या एश्योर आ जाते हैं। तो दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ताकि उनको ब्रेक मिल जाता है फ्रॉम दी शिफ्ट टेन्योर। तो ये रोटेशन हर व्यक्ति का होता है, तो इसलिए दी यूनिट कोहेशन जो आप बात करते हैं,
इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्गेविटी इन अ यूनिट और द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज स्पेंड इन अ यूनिट. इट इज मोर रिलेटेड टू द टाइप ऑफ ट्रेनिंग, द टाइप ऑफ लीडरशिप, द टाइप ऑफ चैलेंजेस दैट यू फेस टूगेदर दैट लीड्स टू द बॉन्डिंग विद इन द शिप. And and that is what translates into morale. So as in the Navy we have something called a divisional system. So a divisional system jo hai isme there is a team of about 11 personnel are form a division, and in that it is headed by a divisional senior sailor and a divisional officer. So they look after them both professionally as well as personally. You know, they know them well. And the interaction happens almost 24/7 whenever they are in their action post or when they are doing partnership work and so on. So this is a time tested system, and which helps to bring in the new Agniveer into the ship and help him to integrate and assimilate well. So therefore we don't see any problem or any difficulty in inducting them into the combat platforms. Thank you. 63. Sir, I am Shivani Sharma from Times Now Nav Bharat, and my question is for the Army Chief. There have been a lot of concerns, especially from the veterans, on the short span and the issues that might concern the attachment level. What are the other challenges that the scheme poses to the Army, and what is the roadmap or the strategy that you have planned to implement it? Thank you for the question. To start with, I'll list out few of the challenges that we visualize coming up as we move forward. Firstly, is the requirement to modify and refine our current recruiters' recruitment process, essentially to expand the recruiting base. We also need to identify and select the right ITI qualified youth for induction into our technical trades. Optimizing the recruitment training period is another issue that we are currently examining. As I mentioned earlier, assimilation and integration of the Agniveers into the system is an important aspect, and that is something which we are working at. Besides, there are some HR management issues like identifying the correct billets for the Agniveer, both within our organization and outside it, maybe on deputation. The skilling the Agniveers and empowering them for enhancing their value and employability is another issue which we'll have to look at. Making our soldiers across the Army deployed pan-India, making them aware of the scheme and its benefits, is something which we'll have to work on very deliberately. Now, what measures currently we are taking to mitigate these challenges is, of course, first and foremost, I must state that the senior leadership, we are convinced of the benefits of the scheme and are fully geared up to embrace this change. We are in the process of refining the recruitment process to make it fair, objective, based on a centralized database and automation. We are also in touch with the concerned ministry and the ITIs, and they have been requested to align their course curriculum, course content with what the Army's requirement for induction into technical trades is. We also have plans to upgrade our training infrastructure, especially in the regimental centers. An effective and time-bound outreach program and awareness program is something which we have come up with. And lastly, we are looking at all the above mentioned aspects and consultations both within the Army as well as with outside agencies, and this is something which is currently underway. Thank you. 176. सर, मैं कृष्णमोहन मिश्रा हूँ जी न्यूज से. मेरा सवाल सेनाध्यक्ष के लिए है. भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लंबा सीमा विवाद चल रहा है. घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, झड़प होती हैं, युद्ध भी हो चुके हैं. यानी भारतीय सेना लगातार कार्रवाइयों में लगी हुई है. कार्रवाइयों में हमेशा अनुभवी सैनिक, सीजन सोल्जर, पुराना सिपाही की बात होती है.
चार साल बाद जब ये जो भी आएंगे रिक्रूट चार साल बाद चले जाएंगे, तो ऐसी कार्रवाइयों में पुराने सैनिक की कमी अखरेगी नहीं क्या? धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि दोनों टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और हमारे ट्रेनिंग के तरीकों को में बदलाव लाने के पश्चात मेरा मानना है कि जो हमारे स्किल सेट्स या कैपेबिलिटीज, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एक जवान के साथ होनी चाहिए, वही एक अग्निवीर के साथ भी होगी। और वो भी जो ऑपरेशनल चुनौतियां हैं जिसका जिक्र आपने किया है, उसका मैं मानता हूं कि बड़े सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वो तत्पर रहेगा। आप जानते हैं सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के जरिए इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे चार साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने चार साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी जरूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस स्कीम को बड़े स्मूथ और सीमलेस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके होते हमारी ऑपरेशनल क्षमता में कोई कमी ना आए। हम अपने यूनिट्स में सही संख्या में बॉर्डर पर इन अग्निवीर्स को डिप्लॉय करेंगे और इस संख्या में या क्षमता में मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई कमी नहीं आएगी। और ये हमारा एक मेन फोकस रहेगा कि अग्निवीर स्कीम के इंडक्शन और स्टेबलाइजेशन के दौरान किसी भी प्रकार से हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज खास करके बॉर्डर एरियाज में इसमें कोई कमी ना आए। धन्यवाद। 86 सर, मैं मधुरेंद्र, न्यूज नेशन से। मेरा सवाल नेवी चीफ से है, क्योंकि नेवी में हम देखते हैं कि टेक्निकली प्रोफिशिएंट और खासतौर पे वेल ट्रेंड जो लोग हैं वो होते हैं। चूंकि ये भर्तियां चार साल के लिए होगी, तो किस तरह से इनको नेवी के लिए टेक्निकली फिट और ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो जो करेंट नेवी का एक तरह से पूरा हम देखें कि मास है और जो हम कहें कि एक तरह से एफिशिएंसी है उसको मैच कर पाएंगे। धन्यवाद। ये जो स्कीम है, ये नेवी का जो यूथफुल प्रोफाइल और टेक्निकल कॉम्पिटेंस में बढ़ावा लाने के लिए है। तो अभी क्या होगा, ये जो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसमें हमने करिकुलम वगैरह टेलर करके जो ट्रेनिंग अभी जो पहले से जो नौजवान भर्ती हो रहे हैं उनका सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग ही होगा इनके लिए, लेकिन ये ट्रेनिंग थोड़ा इम्प्रूव्ड होगा। हमने क्या किया, ये पहले 22 वीक्स का ट्रेनिंग होता था इनिशियल ट्रेनिंग में, उसको हमने अभी कम कर दिया कि 16 वीक्स ट्रेनिंग बेस में होगा और 2 वीक ट्रेनिंग शिप में होगा। तो इसमें हम न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोसेसेस, सिमुलेटर्स, एमुलेटर्स, ये सब लाके इनका ट्रेनिंग का मेथोडोलॉजी इम्प्रूव करके ट्रेनिंग आउटपुट सेम या बेहतर रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग ड्यूरेशन कम किया गया। सो व्हाट विल हैपन इज, ये जो इनिशियल जो हमारा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है जो फर्स्ट 4 इयर्स में पहले भी लोग करते थे, उसमें सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस विल बी देयर, लेकिन द प्रॉब्लम विल कम फॉर द डीपर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए करंटली वी हैव नो ट्रेन पर्सनल कॉल्ड आर्टिफिसर्स, तो जिनका ट्रेनिंग होता है करीब 2-2.5 साल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में होता है और उसके बाद वो जहाज में जाके काम करके फिर प्रोफिशिएंट हो जाएगा और इक्विपमेंट रिपेयर करना वगैरह शुरू कर देता है।
तो इसमें अगेन वी आर लुकिंग एट अ कंप्लीट चेंज. इसमें दो तरीके से हम वी आर ब्रिंगिंग इन इम्प्रूवमेंट्स. एक तो आईटीआई क्वालिफाइड अग्निवीर को एनरोल करेंगे, जिसमें से यह फायदा होगा कि आईटीआई ट्रेन्ड जो है उसका ऑलरेडी बेसिक टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा है, तो उसको जहां दो या ढाई साल का ट्रेनिंग पहले होता था, उसको अभी बस 6 मंथ्स का एडिशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट विच इज देयर ऑन बोर्ड शिप और सबमरीन और एयरक्राफ्ट एटसेट्रा. दूसरा मेथड जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज दी नेवी एंट्री आर्टिफिशर स्कीम. दैट मीन्स जो ऑलरेडी नेवी में है और या अग्निवीर भी हो सकता है, लेकिन वो 4 साल के बाद या 5th ईयर में उनको ये आर्टिफिशर ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो दे विल बिकम क्वालिफाइड टू अंडरटेक डीप रिपेयर्स ऑफ द इक्विपमेंट. सो इस तरीके से हमारे ख्याल से देर विल बी नो रिडक्शन इन द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, बल्कि वी फील दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव. एंड इनफैक्ट वी आर ऑल नेवी इज ऑल्सो लुकिंग एट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेटर मेंटेनर. मतलब जो ऑपरेटर है मेंटेनर है वो इक्विपमेंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं. तो दिस इज अ न्यू मैनिंग प्लान दैट वी आर लुकिंग एट इन द नेवी. धन्यवाद. नंबर 60, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से दैट मेनी मीडिया फ्रेंड्स आर कॉलिंग दिस स्कीम एज टूर ऑफ ड्यूटी. That is incorrect. This is the Agnipath scheme. So I request everybody to refer it as Agnipath scheme and not tour of duty. It's being confused. Number. सर, मेरा नाम संदीप है न्यूज 18 इंडिया से. मेरा सवाल है वायुसेना प्रमुख से. सर, चूंकि सेना में जो यूथ आता है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल जॉब, एक पेंशनेबल जॉब की सोच से आता है, ये जो नई स्कीम है वो किस तरीके से फायदेमंद होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि ना तो अब इसमें स्टेबिलिटी सिर्फ 4 साल की है और पेंशन इसमें है नहीं. देखिए, आज भी क्या होता है कि 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हायर स्टडीज परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा. हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन सभी 12th पास है. तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम 3 अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं. ही इज स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न अ फेयरली गुड सैलरी विथ अ गुड यू नो बैंक बैलेंस एट दी सेविंग्स एट दी एंड ऑफ हिज 4 ईयर टेन्योर. इसके साथ साथ उसका स्किलिंग भी हो रहा है, जो कि बाहर अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी. साथ साथ स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियटिज्म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगे. इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे. उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है. तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज अचीविंग ऑल द 3 एम्स. और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है. जो बाहर जाता है ही इज अ मच मोर कॉन्फिडेंट एंड स्किल्ड यूथ हु कैन फेस द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, 107. सर, नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज. सर, मेरा सवाल नौसेना प्रमुख से है. एक तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर में अब महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी, सही है क्या? अभी तक तो सिर्फ अधिकारी रैंक पे थी. और दूसरा ये कि जो अगर नौसैनिक जो अग्निवीर आएगा, और अभी हम लोग देखते हैं कि नेवी की जो ट्रेनिंग है बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, चाहे हम लोग वॉरशिप की बात करें, सबमरीन की बात करें, और एविएशन भी है, तो क्या ये जो ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, क्या वो उसके लिए काबिल होगा इस तरह से, इस तरह की टेक्निकल जॉब के लिए करने के लिए? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि जो नौसैनिक है वो ट्रेनिंग के बाद भी जो सर्विस में रहता है उसकी ट्रेनिंग स्किल जो है बढ़ती रहती है, तो क्या कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि नियोजी के लिए? धन्यवाद. देखिए, ये नौसेना में अभी सिर्फ विमेन ऑफिसर्स हैं, तो जिस अग्निवीर स्कीम के साथ हम विमेन सेलर्स को भी एनरोल करेंगे,
तो एक मेजर स्टेप है और हमारा अभी इसका सब तैयारी हो चुकी है और इसमें हम कोई दिक्कत नहीं हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा क्योंकि ये जो विमेन ऑफिसर्स का अभी ऑन बोर्ड डिप्लॉयमेंट भी हुआ है करीब एक डेढ़ साल से और हमने सब स्टडी कर लिया और कई देशों में है वीमेन आर वर्किंग ऑन बोर्ड शिप्स सो वी आर जनरल न्यूट्रल सर्विस एंड वी फील दैट वी विल ओनली सी वेदर ही और शी इज केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब दैट इज इंटरेस्टेड सो वी आर वेलकमिंग दिस वीमेन ज्वाइनिंग इन द रैंक्स the aspect of training jo aapne bola hai training is something that that is continued beyond the initial training as well what I had explained earlier was that the basic training is what is planned is of 16 plus 2 weeks on board that is about 18 weeks तो इसके बाद उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है तो वो अभी भी होता है ओनली थिंग इज प्रोफेशनल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है हमने रिड्यूस कर लिया तो द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द ट्रेनिंग बिहाइंड दिस इज दैट द ट्रेनिंग शुड बी एडिक्वेट एंड जस्ट इन टाइम देयर इज नो पॉइंट इन यू नो ओवर ट्रेनिंग अ पर्सन सो फर्स्ट हम उसको बेसिक ट्रेनिंग कराएंगे दैट इज 16 प्लस 2 वीक्स उसके बाद देयर विल बी अनदर 16 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल वर्क दैट इज वेदर इज अ गनरी रेट और वेदर इज अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर रेट और वेदर इज एन इलेक्ट्रिशियन और इज अ मैकेनिशियन एटसेट्रा तो इसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा देन ही विल गो ऑन बोर्ड शिप सो देयर आफ्टर ही विल बी अवेलेबल for another almost 3 years plus to serve the ship and thereafter he can decide whether he wants to continue and become a permanent sailor in the navy or he wants to use the experience and go and contribute in the nation outside so hamari taraf se we feel that there will be the training will be adequate kyunki abhi bhi जो हमारे जो सेलर्स हैं उनका यही ट्रेनिंग है इन द फर्स्ट 4 इयर्स मतलब ही डस बेसिक ट्रेनिंग एंड देन ही डस बेसिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड देन ही डजंट डू एनी अदर कोर्स फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स सो आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी एट ऑल धन्यवाद नंबर 38 जरा आसमान की तरफ भी बढ़िए आप लोग मैं देख रहा हूं कि जल थल में ही आप सिमट कर रह गए हैं नव की उड़ान नहीं भर रहे हैं सर मदन जड़ा हूं हिंदुस्तान अखबार से मित्रों एक चीज मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं यहां पर कि आपको आगामी 1-2-3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी इंडस्ट्रीज होंगी बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे वो यह सबने इच्छा व्यक्त की है जो मेरी जानकारी में और आगामी 1-2-3 दिन के अंदर उसके परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे जी सर मदन जड़ा हिंदुस्तान अखबार से हूं मेरा सवाल यह है कि क्या जैसे हमारी थ्रेट चाइना और पाकिस्तान से ज्यादा है क्या इस प्रकार के जवान चाइना और पाकिस्तान की सेना में भी हैं दूसरा जो ट्रेनिंग की बात कही है सेना के जो अग्निवीर को 10 वीक की ट्रेनिंग की बात कही है क्या ये 10 वीक की ट्रेनिंग बहुत कम नहीं है तीसरा क्या फ्यूचर में क्या अफसरों के लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाने की योजना है जैसे एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए ने अपने शुरू के संभाषण में बताया था कि ये जो अग्निपथ स्कीम का मॉडल है इसको बाकी सेना या बाकी कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस में जो मॉडल है
उसको स्टडी करके पूरे अध्ययन और डिटेल एनालिसिस के बाद इसका रूप तैयार किया गया है एंड दैट इज हाउ द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच आर देयर इन अदर आर्मीज एंड अदर डिफेंस फोर्सेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस स्कीम व्हिच इज टेलर मेड टू मीट आर कंडीशंस। तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। दूसरा, आपने कहा चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में, मैंने वो तैयारी के बारे में आपको पहले ही बताया है। आपके प्रश्न का दूसरा भाग मैं मिस किया है, तो आप बता फिर से। हाँ, अभी मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाहूंगा, पर चाइना का दूसरा तरह का मॉडल है, वहां की भी कॉन्स्क्रिप्ट है और वो अलग अलग उनका ट्रेनिंग है। पाकिस्तान का मॉडल तकरीबन हमारा जो पहले मॉडल है उसके मुताबिक ब्रॉडली इट इज ऑन दोज लाइन्स। वैसे हम लोगों ने बहुत किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की है, और मैं बता देना चाहता हूं जो नकल करके अपनी अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। ये है, ठीक है, स्टडी किया है, क्या है स्ट्रक्चर, कैसे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, दूसरी कंट्रीज का भी स्टडी किया है हम लोगों ने, लेकिन बहुत सोच समझकर इस कंट्री के इंटरेस्ट में, यहां के नौजवानों के इंटरेस्ट को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 67 सर, मेरा नाम मनीष है, मैं इंडिया टीवी से हूं। मेरा सवाल एयरफोर्स चीफ से है। सर, ये जो फर्स्ट गो है उसमें कितने अग्निवीर एयरफोर्स की तरफ आएंगे, संख्या कितनी है और क्या संख्या कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि करीबन 7,000 से 8,000 पर साल रिक्रूटमेंट होती है। ऐसे में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी या हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ हम देखते हैं, तो इनकी भूमिका कहाँ होगी, और जो पेंडिंग एग्जाम्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनका क्या होगा सर? थैंक यू। ये अग्निपथ स्कीम जो है, इट इज एन अटेम्प्ट टू कैरी आउट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सर्विस। तो इनिशियली हमारा ये आइडिया है कि जो इनिशियल रिक्रूट्स हैं थोड़ी सी संख्या कम ली जाए एज कम्पेयर टू दी पास्ट, क्योंकि दो तीन चीजें इसमें, एक तो ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ इंडक्शन है, न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए तैयार किया गया है जो कि मोर और लेस अभी रेडी है, फाइनल इंटीग्रिटीज को आयर्न आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे उनको एनवायरमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे तब जो पुराने एयर वॉरियर्स हैं उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट दी करंट स्टेटस ऑफ दी पीपल हू हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इन टू दी एयरफोर्स विल बी थ्रू दी अग्नि वॉरियर्स, थ्रू दी अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। थैंक यू। सॉरी, महिलाओं का आई हैव गिवन एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल फॉर इंडक्टिंग वुमेन। सॉरी, ओके, वी टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। सर, दो तीन सवाल है क्योंकि माइक काफी देर बाद आया है। आई थिंक संधू विद इंडिया ब्रीफ रखिए, छोटा सवाल रखिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि काफी हद तक वन रैंक वन पेंशन काफी बॉकडाउन कर रहा है गवर्नमेंट को, क्या ये स्कीम उसके लिए है, क्योंकि इसमें तो पेंशन नहीं है। और दूसरा सर, सीडीएस की घोषणा काफी समय हो चुका है वो नहीं हुई है, उस पर भी आप टिप्पणी कर दें। वी विल टेक क्वेश्चंस ओनली ऑन द अग्निपथ स्कीम। ये ओके, मुझसे पूछ रही है, मैंने तो बोलना बंद कर दिया है। सीडीएस की नियुक्ति बहुत जल्दी होगी, सारी चीजें अंडर प्रोसेस है। क्या बात है, वन रैंक वन पेंशन। मैं समझता हूं कि इतनी शानदार इस स्कीम को संदेह के नजरिए से मत देखिए। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। हमारी यूथफुलनेस हो हमारी फोर्स के अंदर, इस बात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।
बस धन्यवाद। ओके 257 Good afternoon, Vishnu Shom from NDTV. Perhaps the Defence Secretary could take this question. I'm just trying to understand, or anybody if you choose, what is the annual saving going to be with this scheme? By when would our funds, our consolidated funds, go up? And is it a correct assumption that this will go towards CAPEX? Mitro, iski reply main karna chahta hoon. आर्मी को कभी हम सेविंग के नजरिए से नहीं देखते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को। इसमें भले ही सेविंग ओवर की बात छोड़िए, और अधिक जितनी खर्च करने की आवश्यकता होगी हमारी गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है। हमारा लक्ष्य यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, देश हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। खर्च जितना भी करना पड़ेगा तब खर्च करेंगे, खर्च का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। थैंक यू सर, रक्षा मंत्री हैज टू गो फॉर इम्पोर्टेंट इन द बजट मीटिंग, वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप देखा कि किस तरह से एक बड़ा ऐलान आज राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने किया है, यानी कि योजना का ऐलान हुआ, एक स्कीम का ऐलान हुआ है, नाम है अग्निपथ। और ये स्कीम जो है बहुत बड़ी स्कीम बताई जा रही है, कारण कई सारे हैं। कारण सब साफ हैं कि केवल 4 साल के लिए अभी शुरुआत में भर्ती की जाएगी और उसके बाद जो है उसमें से छटनी होगी और कुछ लोगों को रख लिया जाएगा और कुछ को अलग अलग प्राथमिकताएं प्रेफरेंस दिए जाएंगे, खासकर पीएसयू में दिए जाएंगे और जो सरकारी दूसरी नौकरियां होती हैं उनमें दिए जाएंगे। ये करीब 46,000 नौकरियां हैं जिनमें भर्तियां होनी है अगस्त से, इस साल अगस्त से जो है इसके लिए प्रोसेस शुरू होने वाला है। अगस्त यानी कि मतलब एक महीने, अब से 90 दिन जो है तब से ये प्रोसेस जो है ये पूरा शुरू हो जाएगा और 4 साल की नौकरी होगी, जॉब होगी। हालांकि जो इसके आलोचक है, जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो लगातार ये कहते रहे हैं जब से ये स्कीम फ्लोट की गई है तब से इन एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि आर्मी नेवी या एयरफोर्स में काम करना हमारे लिए कोई जॉब नहीं है। हाँ। ये हमारे लिए एक इमोशन है, इसे आप 4 साल में एक नौकरी की तरह, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी होती है, किसी भी तरह की नौकरी होती है, आप उस तरह इसे बांध देंगे। दो तीन पॉइंट इसके सुनना इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसकी उम्र क्या होगी, मतलब कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो 17.5 साल से 21 साल के कोई युवक युवती जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और दोनों मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर बिल्कुल पाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें क्या पैसे कितने मिलेंगे, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये सैलरी जो है हर महीने 30,000 से लेकर और ये 34 साल का वेतन जो है वो 40,000 के करीब जाएगा। कुछ और जो अपग्रेडेड सर्विस में ये पैसा और बढ़ जाएगा। टैक्स लगेगा, सवाल ये था, तो टैक्स नहीं लगेगा। एडुकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है। तो 10वीं से 12वीं तक के लिए जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक सवाल और था या है लगातार बना हुआ है लोगों के जहन में कि इसमें जो और जो भत्ते हैं क्या वो मिलेंगे। तो आपको वो सब सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक सैनिक को वर्तमान में मिलती हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, एक निधि मिलेगी, एक सेवा निधि मिलेगी जो आपके रिटायरमेंट या जो आपका जो टेन्योर होगा वो पूरा होने के बाद मिलेगी। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति शहीद होता है तो क्या पैसा मिलेगा, तो हाँ 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 4 साल बाद 25% अग्निवीर, यानी कि वो सैनिक जो उसमें काम कर रहे हैं स्कीम के तहत, जो भर्ती हुए हैं सेनाओं के तीनों अंगों में, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इसमें काम कर रहे हैं, उसमें से कुल 25%, यानी कि जो 46,000 लोग लिए गए उनमें से कुल 25% को रख लिया जाएगा, बाकी के लिए दूसरी और प्राथमिकताओं को तय किया जाएगा। और इसके अलावा अविचल देखिए, आपने शहीदों की बात की, उनके लिए भी प्रावधान है। साथ ही साथ अगर इस पूरी ड्यूटी, इस पूरी सर्विस के दौरान कोई डिसेबल भी हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी भी हो जाती है, तो उसके लिए भी तमाम प्रावधान है वो किए हुए हैं।
जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि 4 साल की अग्निपथ स्कीम जो है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है। काफी ये बड़ी बहुत बड़ी स्कीम है और इसका जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहलू ये है कि एक आपने बात बताई थी कि सवाल आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे एक एक करके सवाल ले रहा हूं। कब से है? तो अगस्त से ये जो है भर्तियां चालू हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर ये 4 साल की भर्ती है तो इसके लिए कैसे ट्रेंड होंगे? तो उन्होंने बताया है, यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख और राजनाथ सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा कि साहब इसके लिए 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद तय किया जाएगा कि आपको कहाँ सर्विसें देनी है। सैलरी जो है पहले साल जो है वो 4.5 लाख से ऊपर जाएगी और जब 4 साल कंप्लीट होने के वाले होंगे तब करीब 7 लाख के करीब चली जाएगी। मतलब आप समझे इस काम को कि 4th साल में जो पैकेज होगा वो करीब 6,92,000 रुपये होगा, करीब करीब 7 लाख रुपये सालाना का पैकेज होगा। शहीद होने पर जो सेवा निधि है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मिलेगी जो 4 साल का आपका टेन्योर होगा। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि कितने लोग इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब कितनी जो वैकेंसीज हैं, तो ये करीब 45-46 हज़ार वैकेंसीज हैं तीनों सेनाओं के अंगों में और इसमें ही भर्ती होनी है। यानी कि अग्निवीर जिनको कहा जा रहा है, जो सैनिक बनेंगे उनको अग्निवीर कहा जा रहा है। अग्निपथ योजना का नाम है, स्कीम का नाम है, और अग्निपथ में अग्निवीर यानी कि जो सैनिक आएंगे उनको अग्निवीर की जो है संज्ञा। अभी चल एक और बात यहाँ बता दे कि टूर ऑफ ड्यूटी जिस इसको लगातार कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ उन्होंने कह दिया है कि टूर ऑफ ड्यूटी ये नहीं है, इसका नाम अग्निपथ है और अग्निवीर कहा जाएगा। जैसे अभिचल ने आपको बताया कि सोल्जर्स जो है से उन्हें अग्निवीर के नाम से नाम ही उन्होंने उसका पदनाम, मतलब कि जो डिजिग्नेशन उसका डिजिग्नेशन अलग अलग डिसाइडेड होंगे लेकिन वो अग्निवीर होंगे। जैसा कि हमने कोरोना वॉरियर सुना, चाहे वो किसी भी अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे थे उनको कोरोना वॉरियर या फ्रंटलाइन सर्विसर कहा गया, ऐसे ही ये जो अग्निपथ योजना है, अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम ऐतिहासिक स्कीम है जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है। यानी कि अब सेना में भर्ती होने के लिए एक बड़ा मौका आया है देश के युवाओं के लिए। 17.5 साल से 21 साल के जो युवा हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी होगी वो पहले साल में करीब 30,000 रुपये होगी और आखिर में जाते जाते यानी कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद ये 40,000 से 1,000 रुपये हो जाएगी। अगर इसको मोटे हिसाब में देखें यानी कि सालाना पैकेज में देखें, आजकल सालाना पैकेज की ही हम लोग बात करते हैं, तो पहले साल ये सालाना पैकेज जो है वो 4,76,000 रुपये का होगा और जो चौथा साल होगा तब तक ये पैकेज 6,92,000 रुपये का हो जाएगा। एजुकेशन क्या चाहिए, यानी कि भर्ती अगर हो रही है तो अप्लाई कौन कौन कर सकता है? उम्र का मैंने बता दिया कि 17.5 साल से 21 साल का कोई भी युवक होगा, युवती होगी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन यानी कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है 10वीं और 12वीं, ये अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग जी। और देखिए अभी चलिए ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज तो इसका ऐलान हो गया है लेकिन काफी समय से चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या आईएफ हो, इसके जो युवा है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भर्ती का सपना देखते थे वो लगातार प्रदर्शन करते रहे, उनका जो दर्द है वो भी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर कि काफी वक्त का इंतजार उन्होंने किया। आज भी कईयों का एग्जाम अटका हुआ है, कईयों की एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो अब तक नहीं आई है। और देखिए पुराने एग्जामों की बात हो रही है जो अब से 2-3 साल पहले जिनका जो नोटिफिकेशन है वो 2-3 साल पहले जारी हुआ था, आज तक इनका कोई अता पता नहीं था। शायद इसीलिए अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद सरकार ने इस भर्ती का, इस अग्निपथ स्कीम का ऐलान करना था, इसी वजह से उन भर्तियों पर सरकार का कभी कोई ऑफिशियल रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आया। लेकिन अब जो है कमेंट्स में भी आप देखेंगे लगातार। और इसको मैं बताना चाहूंगा, जो बाद में जो सेवा निधि मिलेगी, मतलब अगर आपका 4 साल का जो टेन्योर पूरा हो जाता है उसके बाद आपको जो सेवा निधि मिलेगी उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें सवाल आ रहा है कि क्या महिलाएं या युवतियां भी अप्लाई कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए सर्विस है, ये एकदम आप क्लियर कर लीजिए। अगर अगस्त से शुरू हो रही है ये अग्निवीर के लिए जो भर्ती है यानी कि अग्निपथ स्कीम में, तो वो इस साल अगस्त में शुरू किया जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस। रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ने वाले हैं, 46,000 जो है नौकरियां जो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होनी है,
आप समझ लीजिए वैकेंसी है 46,000, एजुकेशन एलिजिबिलिटी चाहिए वो चाहिए 10वीं 12वीं अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए। पदनाम का क्या है भाई, क्या नाम रहेगा? अग्निवीर भर्ती होंगे। किसमें? अग्निपथ योजना में। पहले साल जो सालाना पैकेज होगा वो 4,76,000 रुपए का होगा, जो चौथे साल में पैकेज जाएगा वो 6,92,000 रुपए का जाएगा, और उसके बाद अगर 25% युवकों में आपकी फेहरिस्त आती है यानी कि आप 25% जो 46,000 भर्ती हो रहे हैं। देखिए ये अविचल 25% जो है ये मेरिट बेसिस पे होगा। हाँ, मेरिट तो होगा। ये यानी 100 में से 25 जो है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, 100 में से 25 जो है वो सिलेक्ट होंगे, 25% लोग सिलेक्ट होंगे जो ऑलरेडी उसमें सर्व कर रहे थे 4 साल में, और ये मेरिट बेसिस पर ही होगा। जी बिल्कुल, ये मेरिट बेसिस पर होगा, जैसा कि निधि ने बताया उनके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और उसके बाद एक मेरिट यानी कि ये हर सर्विसेज में जो आपके ट्रेनर्स होते हैं, आपके जो मेंटोर होते हैं, वो इस तरह के क्या कहते हैं आपकी मेरिट बनाते हैं, और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि क्या आप आगे इस सर्विस में, जो भी आपके जिस भी चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आपकी इंडियन आर्मी हो, आप उसमें सर्व कर रहे हैं तो आगे आप कंटिन्यू करेंगे, या आप यहाँ से अब जाकर दूसरी सर्विसेज के लिए अपने को बेहतर बनाएंगे। खास तौर पर वो PSUs में मौके मिलेंगे, सरकारी नौकरियों में मौके दिए जाएंगे। रिटायरमेंट में जो सेवा निधि है वो मिलेगी आपको 11,70,000 रुपए। ये भी अविचल पूरा जो डिटेल है वो भी इसका सामने आ गया है, तो पॉइंट बाय पॉइंट लगातार सवाल जो है उसी तरह बताते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, अविचल आपको लगातार बता रहे थे एलिजिबिलिटी जो है वो 17.5 से 21 साल के युवा जो हैं वो इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, 4 साल का जो ये पीरियड रहेगा इस नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही बात करें ट्रेनिंग को लेकर, तो वो जैसे अभी ट्रेनिंग होती है रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग, जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह की ट्रेनिंग इन्हें भी दी जाएगी। साथ ही बात करें कॉम्पोजिट एनुअल पैकेज जो आप अविचल बता रहे थे, तो वो 4.76 जी सैलरी जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, 4.76 लाख का ये जो पूरा पैकेज है वो बताया जा रहा है पहले साल में। ये हम पहले साल की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो है अपग्रेडेशन होगा और चौथे साल तक ये 6.92 लाख हो जाएगा, यानी कि 6,92,000 रुपए सालाना आपको चौथे साल में मिलेंगे। जी आगे एजुकेशन की या जो वो है सवाल की कितनी एजुकेशन होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। जी 10वीं और 12वीं के जो पढ़े लिखे हैं 10वीं 12वीं के वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और पहले भी हमने बताया कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ये सेवाएं जो है वो इन सेवाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी तौर पर अगर देखा जाए कि अगस्त से जो स्कीम चालू होगी उसमें पहली जो भर्ती के लिए आप अप्लाई करेंगे वो 4 साल के लिए ही करेंगे, आपका कोई भी हक नहीं बनेगा कि वो 40 साल या आगे तक जाए, आप 4 साल के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद IAF या इंडियन आर्मी या नेवी डिसाइड करेगी कि आपको सर्विस में आगे रहना है या नहीं। जी और देखिए अगली बात ये, क्योंकि सरकार ने जो है पूरा अपना पेपर रिलीज कर दिया है, इसमें सेवा निधि को लेकर, सेवा निधि पर बड़ी चर्चाएं थी क्योंकि देखिए अब पेंशन का तो सिस्टम रहा नहीं, तो सेवा निधि जो है वो 30% ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स, वो 30% आपकी सैलरी का वो कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेवा निधि में, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी उसी अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन देगी आपकी सैलरी में। साथ ही साथ इसके अलावा देखिए डेथ कॉम्पनसेशन की अगर बात करें, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो 48 लाख का होगा, जो भी अप्लाई करेंगे अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान, ड्यूटी के दौरान, तो उन्हें 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा सरकार द्वारा। इसके अलावा देखिए एक्स ग्रेशिया जो है एडिशनल दिया जाएगा वो 44 लाख का होगा, ये अलग है, और जो हमने आपको पहले लाइफ इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का वो अलग है। इसके अलावा तमाम डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं सेवा ने, और देखिए कंप्लीशन के बाद क्या मिलेगा, 4 साल जब आपकी ट्रेनिंग और आपकी सर्विस का जो पीरियड है वो पूरा हो जाता है उसके बाद क्या होगा, ये भी अभी चल लोग सवाल सेवा निधि। पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं है, एकदम क्लियर समझ लीजिए, पेंशन नहीं है, सेवा निधि है रिटायरमेंट के बाद, या कहें कि वो सर्विस ऑफ होने के बाद आप दूसरी सर्विस में चले जाएं, लेकिन ये सर्विस आपकी जब कंप्लीट होगी तो आपको एक सेवा निधि दी जाएगी,
एक बड़ा एक मुश्त अमाउंट दिया जाएगा, वो होगा 11,70,000 रुपए करीब जी, जी। और ये देखिए क्योंकि पेंशन से मतलब गवर्नमेंट ने पेंशन का पहले सिस्टम चला करता था, वो बोझ जो है अपना बचाते हुए इस बार इस तरह का सेवा निधि पैकेज जो है वो 4 साल के बाद इन सभी युवाओं को मिलेगा। और देखिए एक चीज यहां और बता दें कि सरकार ने, कई लोग पूछ रहे हैं कि आप जो एज लिमिट है ना वो इसकी बढ़ा दीजिए, यानी अभी जो एज लिमिट सरकार ने दी है वो है 17.5 से 21 साल, लेकिन सर लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको आप बढ़ा दीजिए। देखिए सरकार का यहां ये तर्क है कि जब लोग अपनी सर्विस पूरी करके निकलेंगे तो वो होंगे 24 या 25 साल के, यानी कि वो यंगर, फिटर और हेल्दियर होंगे। तो सरकार अपनी तरफ से यही तर्क दे रही है कि उनके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल और उनको और फिटर बनाने के लिए जब वो 24-25 साल के होंगे। एग्जैक्टली सरकार का तर्क ही यही है कि जो अभी एवरेज जो उम्र है वो तीनों सेनाओं के हिसाब से वो करीब 34-35 साल है, वो उसको कम कर 26 साल पर ले आएंगे। वो ये भी इसमें डिसाइड कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप उन 25% में नहीं रहते हैं तो आप दूसरे सर्विस में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ये भी एक तर्क है। जी जी। और देखिए स्क्रीनिंग असेसमेंट या सिलेक्शन को लेकर भी सवाल थे लोगों के। देखिए स्क्रीनिंग असेसमेंट की बात करें तो जिस तरह का सेंट्रलाइज्ड एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग सिस्टम रहता है, मेरिट बेस्ड रहता है, ये भी उसी तरह से ये होगा। उसके बाद जो अग्निवीर जो हैं वो वॉलंटियर बेसिस पे रेगुलर कार्डर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी एक सवाल और आया कि जो सेवा निधि की मैंने बात बताई कि वो 11,70,000 के करीब मिलेगी, तो उस पर टैक्स का सवाल आया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुन लीजिए कि ये 4 साल के बाद अगर आपको सेवा निधि मिलेगी 11,70,000 के करीब जो एक मुश्त राशि होगी, चूंकि पेंशन नहीं है लेकिन उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। रिस्क जो है, ट्रेवल अलाउंस है और डिफरेंट जो भी सुविधाएं हैं वो आपको सभी मिलेंगी जो एक सैनिक को मिलती हैं। बस आप ये समझिए कि आप वो सैनिक बने रहेंगे या नहीं रहेंगे ये 4 साल बाद डिसाइड होगा। जी जी। और देखिए एक चीज हम याद करें, राजनाथ सिंह ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो शुरुआत इससे की थी क्योंकि जब से स्कीम को फ्लोट किया गया है, जब से इसकी बातें हो रही हैं, तब से आलोचनाएं भी हो रही हैं कि 4 साल के लिए एक नौकरी की तरह क्यों बांध दिया जाएगा सेना में नौकरी को। लेकिन राजनाथ सिंह ने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि जैसे एज की हमने बात कही कि यंगर फिटर रहे लोग, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिल पाता क्योंकि पहले जो है वो एज के रूल्स अलग तरीके के थे, सर्विंग पीरियड के रूल्स अलग तरीके के थे, लेकिन अब जब 4 साल का पीरियड हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना हो, एयरफोर्स हो या जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, नेवी हो, उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा करने का मौका मिल पाएगा। ठीक। और ये भी बड़ी बात है कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को लेकर सवाल किया जा रहा है, तो वो 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, इंश्योर्ड आप रहेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि यदि कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सेवा निधि दी जाएगी, ये भी क्लियर किया है सरकार ने। ये एक बहुत बड़ा टर्म है कि हर चीज को एक एक पॉइंट को पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर किया गया है, यहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर अभी आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है तो मैं फिर से उसको दोहराता हूं कि सरकार की एक स्कीम नई लॉन्च हो रही है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। सवाल ये था कि साहब अग्निपथ स्कीम क्या है, तो अग्निपथ स्कीम है कि 4 साल के लिए युवाओं की सेना में भर्ती। अब ये युवा कौन होंगे, तो उनकी उम्र हो सकती है 17.5 से 21 साल, एजुकेशन यानी कि उन्होंने क्या पढ़ाई, क्या वरीयता हासिल करी है, तो वो पढ़ाई होगी 10वीं या 12वीं, अलग अलग हिसाब से। कितने समय के लिए ये नौकरी बनी रहेगी, तो 4 साल के लिए तो अभी भर्ती होगी होगी, लेकिन 25% युवाओं को आगे तक सर्व करने का मौका मिलेगा, बाकी जो बचेंगे उनको दूसरी सर्विसेज के लिए मौका मिल जाएगा रेगुलर कार्डर में, जैसा कि, और उनको वरीयता दी जाती है, एक्स सर्विसमैन की जो वरीयता मिलती है वो मिलेगी। हमने देखा है कि अभी भी बैंक में, पीएसयू में एक्स सर्विसमैन का एक कोटा होता है, वो कोटा बना रहेगा उनके लिए और वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से नौकरी पा सकते हैं। अब अगर वो 4 साल बाद नौकरी खत्म होगी तो उनको क्या पैसे मिलेंगे, पेंशन।